खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस की ओर। मुकेश अग्निहोत्री ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। बिहार, दुर्घटनाग्रस्त कार में है 1 करोड़ रुपए। वर्चस्व की लड़ाई में हुई कोयला कारोबारी बाबू खान की हत्या। अब खबरें विस्तार से। हमीरपुर, नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने हमीरपुर में सांसद अनुराग ठाकुर और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला और कानूनी व्यवस्था के नाम पर लोगों को गुमराह करने की राजनीति करने का आरोप लगाया। प्रदेश में 100 कतल हो गए। आज हिमाचल प्रदेश जैसी देवभूमि में 250 रेप की घटनाएं हो गई। 10 महीने के कार्यकाल में 350 लोग तो सड़क हादसे में मारे गए, क्योंकि मुख्यमंत्री सड़क पे चलते नहीं, उनको सड़कों की हालत नहीं पता। नीचे क्या हाल है, कालका से शिमला का क्या हाल है, काला घाट से घाघस का क्या हाल है, घाघस से मंडी का क्या हाल है। मोतिहारी जिले के मटियारिया के समीप एक कार और ट्रैक्टर में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 2 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए। घायल व्यक्तियों की स्थिति के बारे में फिलहाल कुछ जानकारी नहीं मिल पा रही है। बताया जाता है कि इस दुर्घटनाग्रस्त कार में करीब 1 करोड़ रुपए है। रांची पुलिस ने कोयला कारोबारी बाबू खान की हत्या की गुप्ती को सुलझाते हुए हत्याकांड में शामिल 4 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। 30 अक्टूबर की रात नगड़ी में अज्ञात अपराधियों ने बाबू खान पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए उसकी हत्या कर दी। बाबू खान को 9 गोलियां लगी थी। खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।